राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार जहां एक तरफ पानी की किल्लत को दूर करने की कवायद में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को बड़ी राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी लेकर आई है। इस योजना के तहत पानी के गलत बिल को ठीक करने के साथ साथ दिल्ली के 7 लाख लोगों का वाटर बिल जीरो किया जाएगा। इस योजना के तहत जिनके बिल में कोई गलती है, गलत मीटर रीडिंग हुई है, ऐसे सभी लोगों के बिल ठीक किए जाएंगे। इससे करीब 11.7 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, जिनमें से 20,000 लीटर मुफ्त पानी इस्तेमाल करने वाले करीब 7 लाख उपभोक्ताओं के बिल जीरो हो जाएंगे। 1 अगस्त से इस स्कीम को 3 महीने के लिए लागू किया जाएगा। इसके लिए जल बोर्ड के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। ये करीब 27.6 लाख पानी के उपभोक्ता है। ये डोमेस्टिक मीटर है, जिनमें से 11.7 लाख उपभोक्ताओं के बिल में एरियर्स जुड़े हैं। लोग इन बिलों को लेकर परेशान हैं। ये एरियर्स 5,737 करोड़ रुपए के हैं, जिसके लिए लोग MLA और जल बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं और बिल और बढ़ता जा रहा है। सभी बिलों को ठीक करना मुमकिन नहीं था, इसलिए हम वन टाइम सेटलमेंट योजना लेकर आए हैं। वहीं दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जल बोर्ड दिल्ली सरकार का सफेद हाथी है। यह ऐसा विभाग है जो दिल्ली सरकार के लिए भ्रष्टाचार और रेवेन्यू चोरी का स्रोत बन गया है। पिछले 5 साल से दिल्ली सरकार लगातार हर साल लोगों के लिए वन टाइम बिल सेटलमेंट स्कीम लॉन्च कर रही है, लेकिन इससे भी लोगों की परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। जल बोर्ड से संबंधित शिकायतों की संख्या करीब 11 लाख है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस स्कीम से 7 लाख उपभोक्ताओं के बिल के जीरो होने के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ये सच है तो वह कौन सा फॉर्मूला है जिससे उपभोक्ताओं का बिल जीरो हो जाएगा, उसे लोगों को बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।